छिहत्तर विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 45 है, जो लगभग 60% है। ये प्रदर्शन से और भी अधिक प्रभावित हो रही है कि कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 43% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा और लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों तथा इस विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। मैं छात्राओं की स्वर्णिम सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के इस परिवर्तनकारी अभियान में सबका सहयोग और अधिक होना चाहिए, ताकि छात्राओं की कुल संख्या भी छात्र के बराबर हो सके। ऐसी अपेक्षा में इसलिए भी व्यक्त कर रही हूँ कि हमारे देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है तथा हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मापदंड की स्थापना होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ समाज सेवा के कार्य में आशा करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आएंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी जानकारी भी दी जाएगी। आपके विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग की काफी बड़ी संख्या है। राज्य की लगभग एक तिहाई आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों के से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशित करने के प्रभावशाली योगदान दिया जा रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की टीम की सराहना करती हूँ। आधुनिक विश्व में जो व्यक्ति, संस्थान और देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाने में तथा नवाचार या इनोवेशन में आगे रहेंगे, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में समुचित सुविधाओं, वातावरण और प्रोत्साहन का योगदान होता है। मुझे ये बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मुझे यहाँ स्थापित किए जा रहे एक्सेलेरेटर बेस्ड रिसर्च सेंटर के बारे में जानकर प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि उपयोगी अनुसंधान के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया में लहराए, पहचान बनाए। देवियों और स्वजनों, हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उस सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अर्जित योग्यता तथा लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तो थी ही, मार्ग में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्र है। निरंतर परिश्रम से अर्जित दक्षता, लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तथा तात्कालिक चुनौतियों या असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का उदाहरण देकर मैं व्यक्तिगत जीवन में उनकी सार्थकता को रेखांकित करना चाहूंगी। आज भारत अपने वैज्ञानिकों को तथा इंजीनियरों के अथक परिश्रम तथा प्रतिभा के बल पर तथा स्पेस क्लब का, न्यूक्लियर तथा स्पेस के क्षेत्र में ले जाएंगे। भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए
हाई साइंस एट लो कॉस्ट के उदाहरण को देश विदेश में सराहा जाता है। अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे कर्मठ वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने भारत की साख मजबूत की है। इसी प्रकार उच्च स्तरीय व्यक्तिगत योग्यता प्राप्त करके आप सब समाज, राज्य और देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी योग्यता प्राप्त करने की दिशा में अनेक चुनौतियों भी आएंगे। चुनौतियों के बीच अवसर उत्पन्न करना सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर युवाओं द्वारा 21वीं सदी के चुनौतियों के अनुरूप विश्व स्तरीय दक्षता प्राप्त करके लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे देश की परंपराएं अत्यंत समृद्ध है और उन्हें बचाए रखने में अनेक विभूतियों के संघर्षों और प्रयासों का अमूल्य योगदान रहा है। इस विश्वविद्यालय के नाम का महत्व इसीलिए और भी अधिक बढ़ जाता है कि इसी क्षेत्र में अवतरण करने वाले गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान अर्थात सभी मनुष्य एक समान है का अमर और जीवन संदेश प्रवाहित किया था। आज से लगभग 250 वर्ष पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। समानता और सामाजिक समरसता के उन आदर्शों पर चलकर ही आज के युवा संवेदनशीलता के साथ सबके हित के बारे में सोच सकते हैं और श्रेष्ठतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रायपुर का हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद के गौरवशाली नाम से सुशोभित है। स्वामी जी लोगों को भय मुक्त रहने की सलाह देते थे। उन्होंने खेलकूद और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को भी रेखांकित किया था। स्वामी जी आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति थे। वर्ष 1893 के विश्व और तत्कालीन भारत के बारे में सोची स्वामी जी ने उस वर्ष शिकागो में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का जयघोष किया था और विश्व समुदाय का सम्मान अर्जित किया था। इस समय भारत में गुलामी की मानसिकता अपने चरम सीमा पर थे। साम्राज्यवाद तथा पश्चिमी देशों का संपूर्ण विचर्ष था तथा एशिया के लोग हीनता की भावना से ग्रस्त थे। ऐसे वैश्विक वातावरण में स्वामी विवेकानंद ने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। आज की युवा पीढ़ी को जिस वैश्विक परिवेश में आगे बढ़ना है उससे भारत की स्थिति बहुत मजबूत है तथा विश्व समुदाय के अग्रणी राष्ट्र में हमारी गणना होती है। स्वामी विवेकानंद के अद्भुत उदाहरण से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी को भारत का गौरव बढ़ाना है, देश की समावेशी समृद्धि के नई ऊंचाई तक ले जाना है। देवियों और स्वजनों, कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस के हम उत्सव मनाते थे। सभी देशवासियों ने हार कर त्रिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की थी। अब हमारा त्रिरंगा चांद तक पहुंच गया है। चांद की सतह पर भारत ने शिव शक्ति की ऊर्जा पहुंचाई है। विद्यार्थियों सहित आसपास के लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि के विषय पर विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास होता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हमारे संविधान में बताए गए मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारे देश अमृत काल के आरंभिक चरण में है। अमृत काल कर्तव्य काल है। यदि प्रत्येक नागरिक विशेषकर हमारे युवा संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारे देश के समग्र विकास का गति जरूर मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीवन के एक प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप सबको फिर एक बार बधाई देती हूँ। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।